मैनपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां पति हैवानियत पर उतर आया और फरार हो गया। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी है, परंतु यह राज रह गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रावस्ती तक न्यूज। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम गढ़िया छिनकौरा में पति ने पत्नी की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, पति पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था और पुलिस के मुताबिक आरोपी पति की पहली पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद आरोपी पति ने दूसरी शादी की थी, जिसके साथ भी लंबे अरसे से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसी विवाद के चलते आरोपी पति ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से आरोपी पति फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पूरी घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी, लेकिन लगातार पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। तो वहीं पर कहा कि जल्द से जल्द आरोपी पति की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये प्रकरण थाना बेवर के ग्राम गढ़िया छिनकौरा का है। यहाँ कल धनपाल नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की चाकू मारकर मृत्यु कारित कर दी गई थी। इस संबंध में सूचना थाना बेवर को प्राप्त हुई थी। बेवर थाना द्वारा मौके पर पहुंचकर सबको कब्जा पुलिस में लेकर इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। मृतका के परिजन द्वारा जो तहरीर दी गई, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। उसके पति नामित जो है, उसकी तलाश की जा रही है।